आ रहे तो मैं तुम्हें मुख्यमंत्री रहने का हक नहीं मिला। ये बात मैं आपको बड़ी पते की कह रहा हूं, मैं भी ये कह सकता था। सुन लो बात को, 2006 से लेकर आप हर तीन साल के बाद, 2006 से शुरू हो रहे, 2006 से हर तीन साल के बाद हम उसको आगे करते जा रहे हैं। क्या कह के आगे करते जा रहे हैं? पॉलिसी ला रहे हैं, पॉलिसी ला रहे हैं जी, पॉलिसी ला रहे हैं जी। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी तुम पॉलिसी तो ला नहीं रहे, तुम तो सिर्फ बचा रहे हो, और तुम तो इसके बाद भी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको भी नहीं रोक रहे, ना पॉलिसी ला रहे ना कंस्ट्रक्शन ला रहे। इसके ऊपर फैसला होना चाहिए। हम सब लोग क्या करते हैं, सड़कों पे निकल जाते हैं, डेमोस्ट्रेशन कर देते हैं, हाय हाय करते हैं, धरना करते हैं, ये सब हम करते हैं। करना हमको क्या चाहिए? मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग करके भाई शहर अच्छा कैसा बने। आज व्यापारी क्या चाहता है? व्यापारी चाहता है कि उसका व्यापार ज्यादा से ज्यादा चले, उसके पास ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आए। बताओ इस माहौल के अंदर, ये जो माहौल बना हुआ है सदर के अंदर, जो चांदनी चौक के अंदर माहौल बना हुआ है, जो सारी दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जैम हो गया है, जो सारी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बढ़ गई है, जो सारे अंदर इंस्पेक्टर राज हो रहा है, उसके अंदर कोई ग्राहक बचे आएगा क्या यहाँ पर? नहीं आएगा। तो मेरे से विजय गोयल से पूछो काम कैसे करना है, ये समझ लिए, कैसे बिठाना है, कौन कौन सा करना है। पहले व्यापारियों को खुद ही तय करना पड़ेगा इस बात के लिए, भाई जो नियम बनाएंगे हम मिलकर बनाएंगे, व्यापारी से बात करके बनाएंगे, उसका व्यापारी पालन करेगा तो पॉलिसी बन जाएगी 2 मिनट के अंदर। वो पॉलिसी बनी इसलिए नहीं रही क्योंकि कोई भी इस बात की गारंटी लेने को तैयार नहीं है, जो आज तय होगा कल वो फॉलो होगा कि नहीं होगा। विजय गोयल आपके साथ है, ये समझ लीजिए। और जब हम आंदोलन को चलाते हैं ना, तो हम आगे तक ले जाते हैं, हम कोई एक नाटक करने के लिए नहीं आते हैं, हम आगे तक आंदोलन को चलाकर लेके जाते हैं और हम हल निकालते हैं। पर हम क्या करते हैं, इसके पास भी जाओ, इसके पास भी जाओ, इसके पास भी जाओ, इसके पास भी जाओ, अरे देख तो लो हल किसके पास है, उसके पास जाओ। आधों ने तो हाथ खड़े कर रखे। एक आदमी की गाड़ी खराब हो गई थी बड़ी भीड़ के अंदर, तो उसने अपना इंजन खोला और गाड़ी को ठीक करने लगा। पीछे वाली गाड़ी वाला क्या करने लगा? जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। वो देख रहा है कि भाई ये गाड़ी खोल के अपना इंजन ठीक कर रहा है, पर वो जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। तो पहले वाला उतरा, इंजन वाला आया उसके पास, हॉर्न बजाने वाले के पास, तू ऐसा कर मेरा इंजन ठीक कर, मैं तेरा हॉर्न बजाता हूँ। दोनों चीजें जरूरी है ना। तो ऐसे ही ये कर रहे हैं, इनका काम क्या है? बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, ये करना कि भाई हाय बीजेपी फंस गई है, सारा व्यापारी बीजेपी के साथ है, इसको तोड़ लूं मैं किसी तरीके से।